देखो सिनेरियो चेंज हुए हैं, टैक्स पेयर भी बढ़े हैं, ठीक है, और अच्छे दिन भी हैं। आप किसी एक पार्टी को ना 20 साल 25 साल 60 साल नहीं दे सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, 10 साल बाद चेंज। मतलब आप कह रहे हो कि अब हो गया 10 साल। टैक्स इतना इतना कट रहा है कि 30% के टैक्स के सले में है, लेकिन उतनी फैसिलिटी हम लोगों को नहीं मिल रही है। सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे है। अगर हम बात करें मोदी जी की, योगी जी, ये और बात है। आम पब्लिक के मैसेज है कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी एजेंसी है, चाहे ये इलेक्शन पोल हो या CBI कोई भी हो, तो दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, युवा बहुत पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं। दीज इंडिपेंडेंट बॉडीज शुड ऑल्सो टेक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द रूलिंग पार्टी पीपल। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सलूजा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ इंडियन और रिएक्ट के नए एपिसोड के साथ। तो आज हम लोगों से पूछेंगे कि वो टैक्स देते हैं उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सिविक फैसिलिटीज़ कैसी हैं पूरे देश में, और सरकारी एजेंसी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी एजेंसी CBI है, तो CBI निष्पक्ष है या नहीं है, ये छोटे बड़े मुद्दे या बड़े बड़े मुद्दे, तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे लोगों से। तो चलिए हम बात करते हैं लोगों का क्या कहना है, ये उनसे पूछते हैं इन मुद्दों पर। आज से 10 साल पहले लगभग 2012-13 में एक पूरे भारत में माहौल बना कि यार हमें जो अभी सिनेरियो में सेंट्रल गवर्नमेंट जो कांग्रेस UPA की थी उसको हटाना है और नई गवर्नमेंट को, नए नेता को स्थापित करना है भारत में, नया प्रधानमंत्री चाहिए, नई गवर्नमेंट चाहिए, नई सोच चाहिए, और उसमें नारा भी आया अच्छे दिन का। आपको लगता है बीते 9 सालों के अंदर आपके दिन अच्छे हुए हैं प्लस और सिनेरियो चेंज हुआ है एक टैक्स पेयर के लिए? मेरा नाम चोपड़ा है और मैं द्वारका में रहता हूँ दिल्ली में। देखो सिनेरियो चेंज हुए हैं, टैक्स पेयर भी बढ़े हैं, ठीक है, और अच्छे दिन भी हैं। मैं तो देखो जी सीधी सी बात है, अच्छे दिन का मतलब मैं तो बिल्कुल सुरक्षित फील करता हूँ। जब उससे पहले सरकार थी मैं बिल्कुल सुरक्षित फील नहीं करता था, डरता था। आए दिन यहाँ बम्बारमेंट, बम फट रहे थे, सीरियल ब्लास्ट हो रहे थे। 2008 में देखा था आपने क्या हुआ था ताज होटल में, ठीक है। 1993 में भी बड़ा कुछ हुआ सीरियल ब्लास्ट में, स्टॉक एक्सचेंज में जब बॉम्बे गया, उस टाइम सेंटर में उनकी स्टेट में डबल इंजन सरकार थी। तो अब तो भाई साहब बता दो कि 2014 के बाद यहाँ कितने बम फटे हैं, अब सिर्फ छुटपुट घटनाएं वहाँ होती हैं। आप जो बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल सही है, मैं तो सुरक्षित हूं, मेरे लिए तो अच्छे दिन हुए। पुलवामा हुआ उसके बारे में क्या बोलेंगे फिर सर? क्या हमारी गवर्नमेंट बोला तो है, मैंने कश्मीर बॉर्डर पे हो रहे हैं और अभी छोटे मोटे होते बात बॉर्डर की नहीं है। अच्छा चलो, ऐसा जो हुआ पुलवामा जो हुआ, हाँ, ऐसा भारत के इतिहास में आर्मी के साथ कभी नहीं हुआ। उसके बाद हमारी एजेंसी उस आरोपी को या उस कांड को करने वाले लोगों को पकड़ ही नहीं पाई आज तक, ऐसा कैसे हो रहा है? अगर आर्मी की बात को बड़ी कर रहा हूँ मैं, मेरे को ये बात सुनो, पुलवामा में हुआ, ठीक है, उससे पहले भी होते थे 2008 में, पता हुआ की तरह ऐसा नहीं हुआ। अरे यार 2008 में 183 बंदे मर गए, वो नहीं नहीं नहीं, मेरे क्वेश्चन का देखिए सर, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट, आपने बोला बम नहीं फटता, अब बम नहीं फटता, हाँ, और ना फटेगा 10 साल में, ऐसा कहीं नहीं हुआ। मैं बड़ा सेफ फील करता हूँ, मैंने आपसे कहा कि आर्मी में पुलवामा जैसा कांड पहले कभी नहीं हुआ, और अब जो हुआ उसके आरोपी तक नहीं पता लगे कौन थे, कांड जो किया वो तो बात ही छोड़ दो। और उसके बाद पठानकोट हुआ, ISI के एजेंट बुला के आपने पूरा पठानकोट का मिलिट्री एजेंट दिखवा दिया, इतना सेंसिटिव एरिया, क्या वो गलती नहीं थी? नहीं, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल दिखा रहे हो ISI एजेंट को, आप अपना पूरा मिलिट्री का जोन दिखा रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो और वर्ल्ड में कितनी बुद्धू इस बात की। आपको पता जब वार, आपको पता जब बॉर्डर पे वार होती है, मुझे सब पता है सर, अभी क्वेश्चन करने खड़ा हूँ। फ्लैगशिप होता है, ऐसा नहीं है, आप कभी कोई कंट्री दूसरी कंट्री के जासूस को बुला के अपनी मिलिट्री जोन में घुमाती नहीं है। मैं जॉब करता हूँ IT इंडस्ट्री में और यहाँ नोएडा में रहता हूँ, सागर नाम है। अगले साल जो है 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन है, तो अभी भी आपको लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं या आ चुके हैं? We must give the chance once again, I must say. I do believe if government start to think from today itself as well, things will change. And yeah, other parties are also doing at their best. But at the same time, the boldness of taking decision and representing our country in front of other countries and along with within the country. Worldwide. That is plus point for that BJP government. So, I know, गरीब आज भी परेशान है, but I must say, these guys must think more about these people as well. See, देखो हमारे यहाँ एक ना कहावत है, जो काम करता गलती उसी से होती है।
तो शायद वो जो गलती अगर हुई भी हो सेंट्रल गवर्नमेंट से रह गई हो। गलतियां होती हैं, बट गलतियां आप एक्सेप्ट भी करते हैं, बड़ी बात है वो बड़ी बात है कि आपने गलती हुई, आपने माना, बोलते हो कि आप गलतियां कर रहे हो, ठीक है, बट अगर आपसे हो रही है, व्हाई यू नॉट एक्सेप्टिंग। स्मृति ईरानी जी, आप बड़े बड़े मुद्दों पे आपने धरना किया, गरीबों के लिए, सिलेंडरों के लिए, लेडीजों के लिए, फीमेल्स को लेके, बट जब कोई इनके पक्ष के थ्रू कुछ नेगेटिव होता है तब ये कहाँ जाते हैं। 2013 में बनाया था आपको, बहुत उम्मीद से हम लाए, है ना, और फिर आपने फिर धीमे धीमे अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जनता के अंदर ख़त्म करा, क्योंकि आप वन साइडेड हो गए। मैं प्रशांत श्रीवास्तव, I'm from Prayagraj. I could understand what sort of politics is going on. सब चोर चोर मौसेरे भाई, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे है। अगर हम बात करें मोदी जी की, योगी जी, ये और बात है, लेकिन बाकी सब द रेस्ट ईच एंड ऑल और एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आम आदमी भोले भाले मासूम जनता के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ कर किया जा रहा, उनको परेशान किया जाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी कोई परे नहीं है, ये खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी को इसका ख्याल रखना होगा। खाली मोदी जी और योगी जी के दमखम पर राज का सत्ता हुकूमत चलाना ही इनका कार्य नहीं है, और भी बाकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिक्स है, प्रिंसिपल्स हैं, नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस है। बींग ह्यूमन बींग यू नीड टू फॉलो इट फर्मली एंड स्ट्रिक्टली। आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है, हर जगह सब अनैतिक कृत्य को सौर बढ़वा दिया जा रहा है, और आम जनता इतनी नासमझ है, इतना कम अकल है, इतनी बदअकल है कि इनको हमारे समाज में जो न्याय कानून व्यवस्था और इंतजाम में जो सिस्टम है, द लॉ ऑर्डर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका न तनिक भी समझ है, न ध्यान है, न ख्याल है, न परवाह है, न चिंता है। ये खाली पार्टी पार्टी पार्टी, मोदी मोदी मोदी, योगी योगी योगी, केजरीवाल, ये अपनी अपनी बात करते हैं। मैं राकेश कुमार हूँ और LIC में काम करता हूँ। कुछ स्टैंड पे तो अच्छे दिन आए हैं, जैसे सड़क, बिजली, रोड्स, हाईवे, लेकिन बेरोजगारी, करप्शन, महंगाई, ये चीज अभी नहीं गई है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, ये दो चार चीजें हैं, ठीक है ना, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। मेरा नाम रजनीकांत वर्मा है, मैं एक IT कंसल्टेंट हूँ, और वैसे मैं मुंबई से हूँ, पर प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली पे आया हुआ हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हुआ है। अभी जस्ट मैं UK से आया हूँ, लास्ट 5 ईयर्स में UK में था, तो वहाँ पर भी जो माहौल था कि एक तरीके से क्रिएट था कि ओवरऑल ग्लोबल में जो इंडिया का नाम हुआ है उसमें डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई है, नो डाउट हियर, बट जो काम को लेके अभी भी रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के जो बाकी बेसिक बुनियाद है, लाइक स्वास्थ्य को लेके जो मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ, और जो बेसिक लेवल म्यूनसिपलिटी लेवल की जो हम गली रोड की जो बातें कर रहे हैं, सफाई की, वहाँ पे अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, वो नहीं है। वो अगर वो सही हो जाए, हम क्योंकि हमारी सारी शुरुआत गली से होती है, मोहल्ले से होती है, वो होगा एक मोहल्ला क्लीन हो गया, एक गाँव क्लीन हो गया, फिर एक शहर क्लीन हो सकता है, तो बेसिक वहाँ पे काफ़ी थोड़ी कमियाँ रही, मैं बोलूँ, बाकी ओवरऑल डिफरेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है जो मैं देखा हुआ है। आई एम गुलशन राज, आई एम फ्रॉम बेसिकली बिहार। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, ठीक है, काम तो हुआ है, काम हुआ है, बट इतना कहना चाहूँगा ना कि महंगाई है, हर चीज़ है, बात गवर्नमेंट कोई भी आती है ना तो कुछ गलतियाँ हो ही जाती है, ऑब्वियसली होती है, काम करेगा गलती भी करेगा, बट ये भी है ना कि आप किसी एक पार्टी को ना 20 साल 25 साल 60 साल नहीं दे सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, 10 साल बाद चेंज। मतलब आप कह रहे हो कि अब हो गया 10 साल, दैट्स ऑल, UPA का 10 साल हुआ था, अभी 10 साल इनका हो गया, अब दस, अब किसी और को मौका दिया जाए, चेंज करो। मैं उत्तम नगर विधानसभा में रहता हूँ, और मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है। मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से बदला है जो उम्मीद थी, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ गया है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, युवा बहुत पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, विदेश नीति को लेकर के कहा जाए तो वो सही है, अच्छी है, हमारे केंद्र सरकार में नितिन गडकरी जी हैं, अच्छा काम किए हैं,
जो काम करता है उसको कहना चाहिए, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। जी, हम तो पब्लिक हमें 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 कोई किसी से गिलवा शिकायत नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए। गवर्नमेंट इतनी टैक्स वसूलती है, जनता बेरोजगार है, पढ़ी लिखी जनता रोड पर घूम रही है, उसके परिवार कई बार किसान लोग हैं, अपनी मांगों को करके थक जाते हैं, बाद में उनको आत्महत्या करना पड़ता है, ऐसी स्थिति पैदा होती है। इस चीज़ को सरकार को सोचना चाहिए, सरकार उनके लिए काम करे। हम सभी टैक्स पे रहे हैं, जो माचिस की डिबिया भी लेता है 1 रुपए की वो भी टैक्स पे रहा है। आप तो बहुत से जानते हैं, आपको लगता है कि टैक्स पेयर को, चाहे वो कोई भी है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसियों के द्वारा पूरी सुविधाएं मिल रही हैं? अब जो टैक्स देता है वो तो सुविधाएं तो पूरी मिल रही हैं, और वो अगर बात सुनो टैक्स पेयर को, अब ये क्यों कहते हो कि टैक्स पेयर को ही मिले? हमारे देश के जो विकास में पैसा लग रहा है वो भी तो एक तरह से है ना। आप देखो जो दूसरा जो गरीब होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको भी तो अपलिफ्ट करना है ना हमने। तो हमारे टैक्स के पैसे से अगर कोई किसी का एम्पावरमेंट हो रहा है और वुमेन सशक्तिकरण हो रहा है और इतनी सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वही भी वही एक टैक्स पेयर को उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट टैक्स पेयर्स, उतना बेनिफिट तो नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया था लोगों ने। एंड मोर ओवर दोज थिंग्स कि हाँ अच्छे दिन आएंगे, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं फील हुआ। इन्होंने बड़े बड़े डिसीजन लिए, उसका कोई एग्जैक्ट कोई इसका रिस्पॉन्स दिया नहीं इन्होंने कि उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। बस वो इम्प्लीमेंट कर दिया एंड दे फील के ये चीज़ें अच्छी हुई हैं, बट ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए इन माई व्यू। मैनी पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वॉट आई थिंक इज़ के मुझे लगता है कि ये वन साइडेड है। आप कह रहे हो इवेंट चल रहा है? यस, वन साइडेड है। जो रिच हैं वो रिच होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास को टैक्स देना पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट जो एक बेनिफिट मिलना चाहिए टैक्स पेयर को, बीइंग ऑन सेफ साइड, बीइंग ऑन सक्सेसफुल साइड, वो नहीं फील हो पा रहा है। या वी वॉन्ट टू ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट बिकॉज yes they are taking bold decisions, but at the same time the implementation of the big things are not at the same page, so that's my view. tax itna kat raha hai ki 30% ke tax ke sale mein hai, lekin utni facility hum logo ko nahi mil rahi hai taxpayer ko, hai na? gali mein jao to sari galiyan ghir rakhi hain, gaadiyan khadi kar rakhi hain ghar ke aage, bura hal hai, na line nali wagera saaf hain, hai na? aur na hi sadak ka koi vikas hua hai abhi। सिविक एजेंसी जितनी है, हाँ। जो जनता के कार्य के लिए एजेंसियां बनी होती हैं, हाँ। जैसे दिल्ली में एमसीडी है, बॉम्बे में बीएमसी है, हाँ। या और भी राज्य मार्ग बनाने पीडब्ल्यूडी, हाँ। सीडब्ल्यूडी, हाँ। ये जनता के काम करती है, विकास करती है पूरे, हाँ। देश में, हाँ। ठीक है जी, आपको लग रहा है कि पिछले 10 सालों में विकास थोड़ा बड़ा है या जनता के लिए कोई फायदा हुआ है? नहीं, थोड़ा बहुत तो बड़ा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ जिस तरह टैक्स कट रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, तो इतना ज्यादा लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। जिस तरीके से हम टैक्स पे कर रहे हैं, एक तो हम सैलरी के हिसाब से डायरेक्ट टैक्स पे इनकम टैक्स के थ्रू पे कर रहे हैं, उसके अलावा हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उस पर हर एक चीज़ में इनडायरेक्टली हम सेल्स टैक्स या आज की डेट में वैट बोल रहे हैं वो पे कर रहे हैं, बट उसके रिटर्न में जो हमको एज अ कॉमन मैन जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो अभी उतने उस लेवल तक नहीं पहुँच पाई है। इस पर गवर्नमेंट को थोड़ा प्लानिंग करके और आगे प्लानिंग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम दिल्ली का देख रहे हैं, इलेक्शन हो जाने के बाद मेयर के लिए लोग 4 दिन से फाइट कर रहे हैं, 4 दिन से जितने भी पेंडिंग केसेस आ रहे पड़े हुए हैं वो पब्लिक का मनी उसमें सारे वेस्टेज जा रहे हैं, पब्लिक के हैं, तो वो उस पैसे का यूटिलाइज दूसरे तरीके से कर सकते हैं जिससे हम कुछ कॉमन कुछ फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं जो मोर बेनिफिशियल हो अदर पब्लिक के लिए। तो मेरा ये मानना है कि पब्लिक को गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के लिए। टैक्स में भी पर्सनैलिटी आ गई, आप अकाउंट चेक कर सकते हो, बैलेंस शीट चेक कर सकते हो ऑन टाइप पे, ठीक है ना? अगर आप देखो बजट तो आती है हर साल अलग अलग लोगों के लिए आती है, ठीक है ना? हो सकता है कि पहली साल ना गवर्नमेंट बजट लाया मिडिल क्लास के लिए, दूसरी साल कॉर्पोरेट को भी तो देखना है ना, इकोनॉमी बढ़ानी है, ठीक है ना? तीसरे साल मतलब एक ऐसे आदमी को भी तो देखना है ना कि मतलब जो देश को लिए मतलब एकदम उस तबका से है ना जो कोने में खड़ा है उसको कुछ नहीं आता, मतलब हर किसी को सबका साथ सबका विकास का मुद्दा ही होता है, ठीक है ना? ओवरऑल करना चाहूँगा, ठीक है ना? बट हाँ, सरकार से गलती होती है, अपोजिशन इसीलिए होता है। और एक कमेंट करना चाहूँगा कि राहुल गांधी आज से 10 साल पहले जो थे
अब जो है बहुत बदलाव आया है, हाँ मैच्योरिटी आई है सच में। अब वो पप्पू नहीं है, अगर कोई कहता है पप्पू है तो फिर नहीं मानूंगा। अच्छा भारत में जब हम सरकारी एजेंसी की बात करते हैं हाँ। तो सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी है CBI हाँ। जो उससे बड़ी एजेंसी को हम मानते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज से मुझे याद है जब मैं उम्र में छोटा था हाँ। तब भी हम ये सुनते थे कि हाँ। CBI जो है जो बंद पिंजरे का हाँ। पंछी है, तोता है जी हाँ, सही बोला आपने, आज भी यही बोलते हैं। तो आपको लगता है कि ये निष्पक्ष काम करती है CBI? देखिए कहीं हद तक तो निष्पक्ष भी करती होगी, जब CBI किसी को अरेस्ट करती है तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो होना चाहिए उसके पास। मनीष सिसोदिया को किया है हाँ, कोई प्रूफ होगा जनता के सामने पेश करें, उधर मनीष जी करें उधर ये करें, और कोर्ट उसको फाइनल करेगा डिसीजन दे के भाई इस वाक्य में इन्होंने करप्शन किया है या नहीं किया है ना। तो ये तो सब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, जब वहाँ पेश होंगे मनीष सिसोदिया जी, ये अपना पक्ष रखेंगे, ये अपना पक्ष, जो भी फाइनल सही सबूत देगा तो वो बचेगा। इट इज नो डाउट सरकार जब चाहती है ये जो तमाम जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, खुफिया गुप्त विभाग हैं, ये अपने हिसाब से उनको सक्रिय करती हैं, और जब मन करता है तो निष्क्रिय कर देती हैं, मन करता है तो आगे बढ़ाती हैं, मन करता है तो दबा देती हैं। देयर इज नो डाउट एट ऑल। और हम आपको इसमें एक इस संदर्भ में हम आपको एक एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे। कुछ ही महीने पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, हवालात और सलाखों के पीछे डाला गया। व्हाट वाज दैट एजेंसी? वो ड्रग्स का कुछ, कोई ड्रग्स का कोई मामला था, ड्रग्स का मामला था, कौन सा था वो आई डोंट रिमेम्बर। तो उसको सलाखों के पीछे गया भेजा गया। फिर कुछ महीने बाद ये सुनने में आया कि आर्यन खान वो बेगुनाह है, उसने कुछ किया ही नहीं। और कुछ लोगों ने कहा मात्र 5 ग्राम का कुछ कोकेन, पता नहीं क्या क्या क्या, सही बात है। और ये जो विभाग है, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उनसे कोई भूल चूक हो गई। इस भूल चूक के लिए शाहरुख खान के जैसे रिप्यूटेड नामचीन शख्सियत के लड़के को हवालात के पीछे हरास करना, टॉर्चर करना, इतनी बड़ी भूल चूक इंडिपेंडेंट बॉडी से होना, क्या ये लाजमी है, क्या ये उचित है, क्या जायज है? इतना हाई लेवल का एजेंसी से इस तरह का भूल चूक हो, कमियां और खामियां हो, जिसके वजह से एक बेगुना निर्दोष व्यक्ति को सलाखों के पीछे डाला जाए और उसको तमाम प्रताड़ना और उत्पीड़न झेलना पड़े, और फिर बाद में उसको छोड़ दिया जाए, ये क्या कर कि भूल हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, चूक हो गया, ये शर्मसार है, शर्मनाक है, जिसकी बदनामी देश विदेश हर जगह विश्व संसार में हो नहीं, स्वाभाविक है, लाजमी है। तो आपको लगता है कि वाकई में CBI तोता था, है और रहेगा? नहीं, तोता तो नहीं है जी। देखो पहले था तोता, पहले तोता को उसको पिंजरे में बांधा हुआ था, उसके हाथ बांधे हुए थे, अब उनके हाथ खोल दिया, अब हर एक को इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया, फ्री हैंड दे दिया। अब फ्री हैंड दे दिया तो ये तो उनके ऊपर है, कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम जाके अभी तुम हाथ उसके घर में छापा मारो, उसके घर में रेड मार दो या उनको। ये CBI अपना काम कर रही है, अपना डेटा उनका होता है, और चाहे CBI हो या ED हो या वो इकोनॉमिक विंग्स हो, कोई भी हो, वो अपना अपना काम कर रही है। तो पहले भी अगर तोता था तो पिछली सरकार की गलती है, पहले जो विपक्ष में जो सरकार में उन्होंने तोता बनाया क्यों, वो भी खोल लेते, वो भी विपक्ष के बंदों के ऊपर केस चला रहे। आप तोता नहीं, आज बास बन गया है। नहीं, बास क्या बोला, अपना ऑटोनोमस बॉडी है, अपना काम कर रही है, ऑटोनोमस बॉडी है और होना भी चाहिए। अगर लोकतंत्र है जी, अब लोकतंत्र नहीं है, अब लोकतंत्र है। आई एम नॉट 100% ऑन इट, बट आई मस्ट से दे आर नॉट they are not taking decisions or actions against the party people who are in a currently in position. Yeah, but as a good citizen, as a senior, like sincere citizen, I must say these independent bodies should also take investigations of the ruling party people as well, so that the people also came into that confidence or like motivated that yes, these are those institutions which are working independently, not taking any like biased decisions. कोई भी गवर्नमेंट हो, एक हद तक भले लिमिट छोटी हो, थोड़ा बहुत तो रहता है, बिकॉज डायरेक्टली दे कमिंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहता है। आगे गवर्नमेंट काम करनी चाहिए, जो इम्पैक्ट का पार्ट है जितना हो सके इसको फ्री कर दे, सो दैट आम पब्लिक ये मैसेज जाए कि यहाँ पे
जो थर्ड पार्टी एजेंसी है, चाहे ये इलेक्शन पोल हो या सीबीआई या कोई भी हो, तो दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, तो थोड़ा सा इस पर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। शासन वही चला सकता है जो पावरफुल होता है, और पावरफुल वही होता है जो सरकार में होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है। अब आप कहोगे ना कि हमारी जो एजेंसी है उसी पर डाउट कर ले, हमारी जो न्यायपालिका उसी पर डाउट कर ले, तो मैंने न्यायपालिका की बात नहीं करी। बट सीबीआई पे आप बोले ना रटूत होता है, ऐसा मैंने मानता हूँ, ठीक है ना। डेफिनेटली कुछ लोग भ्रष्ट हो सकते हैं, कुछ लोग सरकार के चमचे हो सकते हैं, बट मुझे पूरा फेथ है आज भी अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब अपने देश के ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। मुझे बिलीव है अजय यूथ कि अगर मुझे कोई इशू होता है तो मैं सीबीआई जांच की डिमांड कर सकता हूँ, मुझे पूरा फेथ है। आज के डेट में कहावत पुरानी का सुना हूँ बुजुर्गों से, भी अभी भी सुना जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज जो केंद्र सरकार है उसके अंदर में सारे प्रशासनिक है। दिल्ली का जो शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है लीकर जो उनकी पॉलिसी थी दिल्ली गवर्नमेंट की, उसको लेकर आपको लगता है कि वो उनका जो गिरफ्तारी हुई है वो सही हुई है? वो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको जो लीकर पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं गलत थी? टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट दैट मच नॉलेजेबल अबाउट दिस लीकर पॉलिसी एज सच, बट ऑन दैट बेसिस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मनीष सिसोदिया एज अ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ही हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब। आई डोंट नो वेयर थिंग्स आर लैगिंग इन दैट लीकर पॉलिसी थिंग्स, that is a more detailed thing to discuss. I'm not that much into that, but yes, jo bhi ho wo nyay ke level pe hona chahiye. dekhiye hum note karte hain, hum gaur karte hain ki CBI ko wahan par lagaya jata hai jahan par unka in particular in individual in party level ka hit hota hai, labh hota hai aur fayda hota hai. सामने जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, उनका छवि धूमिल करने के लिए, छवि खराब करने के लिए, और इस तरह से इनको कटघरे में खड़ा करने के लिए। अभी शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम बहुत बेहतरीन हुआ है। अब जो काम करता है उसको सीबीआई लगा दिया जाता है, प्रशासनिक जो लोग उस पर प्रेशर बनाए रहते हैं कि काम आगे ना हो। जनता के हित में काम करने के लिए चुनाव होता है, और चुनाव जीत करके जब नेता बन करके पब्लिक के लिए काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं, तो उनको करने देना चाहिए। उनके अगर सीख ले करके आगे और स्टेट में और मंत्रियों को उस तरह से काम करना चाहिए। बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल निष्पक्ष है, इम्पार्शियल है, और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इम्पार्शियल नहीं होता, निष्पक्ष नहीं होता, तो वो अपने मोबाइल फ़ोन 14-14 मोबाइल फ़ोन क्यों बदलता, उसकी चैटिंग क्यों डिलीट करता? और मेरे को ये बताओ कि उसके कंप्यूटर से भी देखा गया, कंप्यूटर के अंदर भी जितनी भी फाइल्स हैं उसने डिलीट की हुई हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि जब ये पॉलिसी लाया था, ये आपको पता है एक्साइज पॉलिसी लाया था शराब की, तो आया इसके ऊपर जब सवाल उठने लगे इंक्वायरी से, तो उसने विड्रॉ कर ली। पहले 12% कमीशन दे रहा था, अब दो उस कमीशन 2% कर दी। फ्रॉम द डे वन ये कह रहा था, मुझे तो सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, जबकि सीबीआई कहती थी हमने दी नहीं है। तो केस पुख्ता सबूत इकट्ठे हो रहे थे सब, और ऐसे बड़े चोर को पकड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगाया जाता है, और सबूत इकट्ठे करे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब रातों रात शराब नीति को लेकर के लिए बता कि उन्होंने चेंजेस किए हैं। अभी आज आई थिंक जो जजमेंट आया, 1 वीक के लिए उन्हें कस्टडी दिया गया, तो आई थिंक अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं इस पॉलिटिक्स में बहुत टच में रहता हूँ, न्यूज़ में लिया। अभी जो मोटा मोटा जो लेवल आया, अगर दोनों पार्टी के सुने, आम आदमी का ये ब्लेम है कि ये वन साइड कार्रवाई कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के कहने पे। बीजेपी का ये मानना है, इनका जो पॉइंट है कि ये जो नीति हमने जो इनके डेटा जो उड़ के हैं इसके हिसाब पे काम कर रहे हैं, बट अभी आई थिंक इस पर भी कुछ कंक्लूजन नहीं कर सकते। बट मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या पॉइंट है, बट डेफिनेटली थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर हुआ है गवर्नमेंट का, ये मैं मानना चाहूँगा, जो जिससे इवन मैं भी इतना इंडिविजुअल नहीं हूँ, बट एक मैसेज जा रहा है कि थोड़ा सा ये कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। देखो यार, मतलब एक आदमी जब विजनरी सोच के साथ एक बढ़िया सा गोल लेके आगे बढ़ता है ना, बढ़िया सा गोल लेके इतने अच्छे काम किए आम आदमी पार्टी में। रिवोल्यूशनरी एजुकेशन सेक्टर में कौन सरकार मतलब इतना बजट लेता है? कोई सरकार नहीं लाती है। मतलब UPI का भी देखा ना, तो 3% बजट आती थी शिक्षा के क्षेत्र में, आज घट के आ गई है 2-1.5% आ गई है बजट, ठीक है ना। तो शिक्षा हमें क्या चाहिए? हम यूथ है, कल होके हम गार्जियन में आते हैं, हम अपने बच्चे के लिए क्या जाएंगे? एजुकेशन प्रायोरिटी पे रहेगा, ठीक है ना। एजुकेशन बंदे ने किया है, ठीक है ना, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिया। मैं ये गलत फील करता हूँ उनके बारे में पर्सनली, बट एज अ वोटर मैं चाहूँगा अगर सवाल उठे हैं तो जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो,
ठीक है, जांच होनी चाहिए, बट आप इनडायरेक्टली किसी पे इल्जाम लगा दो, सवाल पूछ दो, इससे ये नहीं होता कि वो दोषी है। अभी दोषी गिल्टी नहीं है, रिपोर्ट आएगी, सबके सामने होगी। आपने देखा इंडिया की जनता ने रिएक्शन दिया अपने टैक्स पेयर होने पर, उसके बाद उन्हें जो सहूलियत मिलती है एक सिविक्स एजेंसी द्वारा, उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया, बताया कि उन्हें क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या नहीं मिलते हैं। सरकारी एजेंसी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी भारत में CBI को माना जाता है, उसके काम करने के लिहाजे को, उसके तौर तरीके के बारे में भी लोगों ने खुल के बात करी। साथ ही बात करी दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के अरेस्ट होने पर भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ इस पर कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को लोगों में और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ मेरा ये चैनल इंडियन और रिएक्ट, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके सामने नए नए वीडियो और अच्छे कंटेंट इसी तरह से लाता रहूं। धन्यवाद।